नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है पोपटलाल का कुत्ता। एक दिन पोपटलाल गांव की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक घर के बाहर एक कुत्ते का बच्चा कटोरे में खाना खा रहा है। वो कटोरा बहुत ही अनोखा था। उसने सोचा, इस कटोरे की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होगी। लगता है कि इस घर के मालिक को इस कटोरे की कदर नहीं है, इसलिए उसमें कुत्ते के पिल्ले को खाना खिला रहा है। उसने पास ही बैठे उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब, मुझे आपके कुत्ते के पिल्ले अच्छे लगे, मैं इनके लिए 2,000 रुपए दूंगा। वैसे भी इस साधारण कुत्ते के लिए इससे ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। वह आदमी बोला, साहब, 2,000 बहुत कम है। हाँ, आप मुझे 7,000 अभी दे तो कुत्ते के दोनों पिल्ले आपके। पोपटलाल ने कुछ मोल भाव करना चाहा, पर वो घर का मालिक माना ही नहीं। अनोखे कटोरे के लालच में पोपटलाल ने उसे 7,000 रुपए दे दिए। पोपटलाल सोच रहा था कि कटोरे की कीमत उससे कम 5 गुना ज्यादा होगी। कुत्ते के पिल्ले को ले जाते हुए पोपटलाल ने अपना दाव खेला, भाई साहब, अब जब पिल्ले मैंने खरीद लिए हैं तो आप इस कटोरे का क्या करेंगे? ये मैं 50 रुपए में खरीद लेता हूँ। घर का मालिक बोला, नहीं साहब, वो तो मैं नहीं बेचूंगा। पोपटलाल तो चकरा गया और उसने पूछा, अरे ऐसा क्यों, क्या खास है इस कटोरे में? घर का मालिक बोला, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे लिए बहुत लकी है। पिछले महीने से जब मैंने इस कटोरे में कुत्ते को खाना देना शुरू किया, तब से मैं 15 कुत्ते बेच चुका हूँ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों, आज आप सभी को चित्र बनाना है पोपटलाल और 2 कुत्तों का, और हमें भेजना है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।